इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा राजस्थान ईओआरओ भर्ती परीक्षा 2023 के लिए अप्रैल 2023 की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के टॉप 250 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पार्ट फर्स्ट की चर्चा करूंगा। इसी तरह आपको डेली मंथली वाइज के टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे। इसलिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब बात करता हूँ इस वीडियो में मैं आपसे अप्रैल 2023 की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पार्ट फर्स्ट की। कल आपको और अप्रैल मंथ के टॉप 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस तरह से टोटल आपको अप्रैल अप्रैल के 250 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अब बात करता हूँ पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में गुजरात में एक मंदिर में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊँची मूर्ति का अनावरण किसने किया है? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में गुजरात में एक मंदिर में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण अमित शाह ने किया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? आर अश्विन, यजुवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार या रविंद्र जडेजा। तो T20 क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं यजुवेंद्र चहल। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 12 अप्रैल, 8 अप्रैल, 2 अप्रैल या 10 अप्रैल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, विश्व होम्योपैथिक दिवस आपके 10 अप्रैल को मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश ने जयगांव के पास सीमा पर पहली एकीकृत चेक पोस्ट स्थापित करने की योजना बनाई है? भूटान, श्रीलंका, नेपाल या अफगानिस्तान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत और भूटान देश ने जयगांव के पास सीमा पर पहली एकीकृत चेक पोस्ट स्थापित करने की योजना बनाई है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 की थीम क्या है? हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, सबके लिए एक निष्पक्ष, हेल्थ फॉर ऑल या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 की थीम है आपके हेल्थ फॉर ऑल। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको डेली मंथली वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी तरह राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर की ईओआरओ एग्जाम के लिए देखने को मिलेगी। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पे 2 दिवसीय गज उत्सव का उद्घाटन किया है? मध्य प्रदेश, पंजाब, असम या राजस्थान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम राज्य में 2 दिवसीय गज उत्सव का उद्घाटन किया है। आपका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के नागरी दूबराज चावल को GI टैग मिला है? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के नागरी दूबराज चावल को GI टैग मिला है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली महिला सहकारी निधि महिला निधि शुरू की है? राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने पहली महिला सहकारी निधि महिला निधि शुरू की है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शुक सैन्य अभ्यास कवच कहाँ आयोजित किया गया है? गुजरात में, अंडमान निकोबार में, महाराष्ट्र में, पंजाब में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में शुक सैन्य अभ्यास कवच है आपके अंडमान निकोबार में आयोजित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC मेंस T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एम्पायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? अमृता सिंह, वृंदा राठी, कीम कॉटन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ICC मेंस T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एम्पायर बनने वाली पहली महिला बनी है कीम कॉटन। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा पर्यटक नाव लॉन्च की गई है? असम, राजस्थान, तमिलनाडु या केरल। आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में केरल राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा पर्यटक नाव लॉन्च की गई है। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में खबरों में रहा, लैम्प्रे का संबंध किस प्रजाति से है? मछली, छिपकली, बिल्ली या सांप? तो लैम्प्रे का संबंध है आपके मछली की प्रजाति से। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वित्त वर्ष 2022-23 में जीआई टैग सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर आया? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, केरल या आंध्र प्रदेश? तो जीआई टैग सूची में शीर्ष पर रहा है आपका केरल राज्य। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी समान अधिनियम को निरस्त कर दिया है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम या कर्नाटक? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी समान अधिनियम को निरस्त कर दिया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, बी है जो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में लगातार छठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बना है? चीन, जापान, जर्मनी या रूस? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में लगातार छठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बना है रूस। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश के बीच कॉप इंडिया सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? चीन, अमेरिका, रूस या जापान? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में भारत और अमेरिका देश के बीच कॉप इंडिया सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल, 8 अप्रैल, 7 अप्रैल, 5 अप्रैल? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस है ये आपके 11 अप्रैल को मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अडानी पावर लिमिटेड ने किस देश में बिजली सप्लाई शुरू की है? नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में अडानी पावर लिमिटेड ने बांग्लादेश देश में बिजली सप्लाई है वो शुरू की है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 59वीं फेमिना मिस इंडिया 2023 का ग्रैंड फिनाले कहाँ आयोजित होगा? नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, इम्फाल? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 59वीं फेमिना मिस इंडिया 2023 का ग्रैंड फिनाले इम्फाल में आयोजित होगा। राइट आंसर डी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मंथली वाइज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर डेली आपको इसी तरह ऑब्जेक्टिव टॉप 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे राजस्थान ईओआरओ भर्ती परीक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुखोई MKI-30 फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली देश की कौन सी राष्ट्रपति है? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुखोई MKI-30 फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली देश की दूसरी राष्ट्रपति हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है तो पहली राष्ट्रपति कौन है, इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नासा ने अपने चंद्र मिशन आर्टमिस 2 के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है? 3, 6, 4 या 5? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, नासा ने अपने चंद्र मिशन आर्टमिस 2 के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, वो 4 अंतरिक्ष यात्री कौन हैं? तो आपको बता दिया जाता है, विक्टर ग्लोवर पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री, रीड विशमैन, जेरेमी हैंसन और क्रिस्टीना कोच। इसमें से क्रिस्टीना कोच है वो मिशन के लिए नियुक्त पहली महिला अंतरिक्ष यात्री भी बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने किसे नया मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है? अरुण कुमार, अमित क्षत्रिय, केनिची उमेदा, राजीव के मिश्रा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने नया मैनेजिंग डायरेक्टर केनिची उमेदा को नियुक्त किया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में हिंद फोबिया की निंदा करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा है? हवाई, कैलिफोर्निया, जॉर्जिया या एरिजोना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में हिंद फोबिया की निंदा करने वाला पहला अमेरिकी राज्य है जॉर्जिया। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चीन ने किस भारतीय राज्य में 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है? अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान,
गुजरात या असम? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल में चीन ने अरुणाचल प्रदेश राज्य में 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बिना मत पत्रों का उपयोग करके आम चुनाव होंगे? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश या अमेरिका? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में बांग्लादेश देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बिना मत पत्रों का उपयोग करके आम चुनाव होंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या नई दिल्ली? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मियामी ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? जेनेलिक सिनर, डैनियल मेदवेदेव, नोवाक जोकोविच या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मियामी ओपन 2023 का खिताब हाल ही में डैनियल मेदवेदेव ने जीता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 14 जुलाई 2023 को वार्षिक बेस्टिल डे परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन या जापान? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस देश ने 14 जुलाई 2023 को वार्षिक बेस्टिल डे परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में नियुक्त किया गया है? अरुण कुमार, अमित क्षत्रिय, केनिची उमेदा, राजीव के मिश्रा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में अमित क्षत्रिय को नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के एडमिनिस्ट्रेशन रूप में नियुक्त किया गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में कहते हैं पीटीसी लिमिटेड, के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार किसने संभाला? रोहित कुमार, अमित क्षत्रिय, सुमित सक्सेना, राजीव के सुमन, राजीव के मिश्रा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, पीटीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार राजीव के मिश्रा ने संभाला है। राइट आंसर हो जाएगा डी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बना है? श्रीलंका, जापान, जर्मनी या फिनलैंड? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य देश बना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाराणसी के किन उत्पादों को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? हापुस आम, बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा या ब्लू पॉटरी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वाराणसी के बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा दोनों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला वेटलिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? शकना खातून, अर्चना शर्मा, मीराबाई चानू या संजीता चानू? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, डोप टेस्ट में फेल होने के कारण संजीता चानू महिला पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कर्नाटक राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी किस राज्य ने शुरू की है? तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या राजस्थान? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी है यह आपके तेलंगाना राज्य ने शुरू की है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्की महिला संगठन के 40वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? विनय कुमार सक्सेना, राजेश कुमार, सुधा शिव कुमार, इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, फिक्की महिला संगठन के 40वें अध्यक्ष के रूप में सुधा शिव कुमार ने पदभार ग्रहण किया है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेन के मैड्रिड में आयोजित
स्पेन मास्टर 2023 में महिला खिताब किसने जीता है? लियू शेंगसू, पीवी सिंधु, मारिस्का तुंजुम या टैन निंग? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन के मैड्रिड में आयोजित स्पेन मास्टर 2023 में महिला खिताब मारिस्का तुंजुम ने जीता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 2 अप्रैल, 4 अप्रैल या 5 अप्रैल? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस, जो कि थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा था, आपका राइट आंसर 7 अप्रैल हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस उत्पाद को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया? मिर्चा चावल, बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा, ब्लू पॉटरी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार के मिर्चा चावल को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फ्रांस के सबसे श्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? अजय श्रीवास्तव, नीरज कुमार, किरण नादर या स्वाति शर्मा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में फ्रांस के सबसे श्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑनर से किरण नादर को सम्मानित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया? जर्मनी, अर्जेंटीना, भारत या पाकिस्तान? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में भारत देश को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब ने कितने भारतीय क्रिकेटरों को आजीवन सदस्यता प्रदान की है? आपके पास ऑप्शन है 4, 2, 5 या 7? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब ने टोटल 5 भारतीय क्रिकेटरों को आजीवन सदस्यता प्रदान की है। राइट आंसर सी हो जाएगा। वो 5 कौन कौन से हैं? 3 पुरुष खिलाड़ी हैं और 2 महिला खिलाड़ी हैं। महिला खिलाड़ी में आपके मिताली राज और जुलन गोस्वामी हैं, पुरुष खिलाड़ी में आपके महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना और युवराज सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कब तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा? 2028, 2025, 2030 या 2026? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत 2026 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने नई पुस्तक गांधी सियासत और सांप्रदायिकता लिखी है? लोकेश कुमार, राहुल वर्मा, पीयूष बाबेल, पीयूष पांडे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में पीयूष बाबेल ने नई पुस्तक गांधी सियासत और सांप्रदायिकता लिखी है, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने नया ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? अमेरिका, इजराइल, चीन या रूस? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में इजराइल देश ने नया ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है? ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, चीन या बहरीन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में बहरीन देश ने बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है, राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने लूनचरी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतह किया? अंजलि शर्मा, शिवांगी सिंह, अर्चना शर्मा, पूजा वर्मा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में अंजलि शर्मा ने लूनचरी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतह किया है, राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राजा जिग्मे नामग्याल वांगचुंग 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं? भूटान, ब्रिटेन, बांग्लादेश, नेपाल? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में भूटान देश के राजा जिग्मे नामग्याल वांगचुंग 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं, राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? राजस्थान, कर्नाटक, असम या उत्तर प्रदेश? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
50 नंबर तक क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। डेली आपको इसी तरह मंथली वाइज 100-100 ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर देखने को मिलेंगी, इसलिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इसमें आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर देखने को मिलेंगे। वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास दर को 6.6% से घटाकर कितना कर दिया है? 4.30%, 5%, 6.30% या 5.70%। तो वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास दर को 6.6% से घटाकर 6.30% कर दिया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 लीग में सबसे अधिक हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज कौन बने? सुनील नारायण, राशिद खान, आर अश्विन, अमित मिश्रा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा T20 लीग में सबसे अधिक हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज बने हैं राशिद खान, जिन्होंने अब तक 4 बार हैट्रिक ले चुके हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। IPL 2023 में भी पहली हैट्रिक लेने वाले खिलाड़ी भी राशिद खान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? कल्केश नारायण सिंहदेव, राजीव कुमार, अजय राजन या अमित कुमार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करने वाले हैं कल्केश नारायण सिंहदेव। आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस स्पेस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया? थ्रू स्पेस, वेस्ट स्पेस टेक्नोलॉजी, एस्ट्रॉन टेक्नोलॉजी, स्काई रूट एरोस्पेस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत के स्काई रूट एरोस्पेस ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुखोई 30 MKI विमान में ऐतिहासिक उड़ान कहाँ पे भरी है? राजस्थान में, मुंबई में, असम में या नई दिल्ली में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम में सुखोई 30 MKI विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी किसने दिखाई है? द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिकंदरा तिरुपति वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी नरेंद्र मोदी ने दिखाई है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल, 10 अप्रैल, 8 अप्रैल, 11 अप्रैल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल को मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? विवेक कुमार, सुब्रमण्यम राव, कलामपुरी राधाकृष्ण राव, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव को सम्मानित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलैंड के श्रेष्ठ सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से किसे सम्मानित किया गया? जो बाइडन, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, वोलोडिमिर जेलेंस्की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, पोलैंड के श्रेष्ठ सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से वोलोडिमिर जेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उन्हें सम्मानित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई प्रोक्योरमेंट में पूर्वोत्तर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना है? त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ई प्रोक्योरमेंट में पूर्वोत्तर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है त्रिपुरा। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? अनुज प्रीतम, पंकज मित्तल, रमेश सिन्हा, अजीत लोधी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं रमेश सिन्हा। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी टाइगर सेंसस के अनुसार भारत में वर्ष 2022 तक बाघों की आबादी बढ़कर कितनी हो गई है? 3200, 3150, 3600 या 3167। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जारी टाइगर सेंसस के अनुसार भारत में वर्ष 2022 तक बाघों की आबादी बढ़कर हो गई है 3167। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है? राजस्थान, असम, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में राजस्थान राज्य ने महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है।
आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईपीएल में सबसे तेज 6,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? शिखर धवन, विराट कोहली, डेविड वार्नर, महेंद्र सिंह धोनी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में आईपीएल में सबसे तेज 6,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं डेविड वार्नर। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, असम या त्रिपुरा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य की विधानसभा ने अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस शुरू किया है? उत्तराखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस शुरू किया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। भारतीय सेना प्रत्येक वर्ष सियाचिन दिवस कब मनाती है? 13 अप्रैल, 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, 8 अप्रैल। तो भारतीय सेना प्रत्येक वर्ष सियाचिन दिवस आपके 13 अप्रैल को मनाती है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पर बनाया जा रहा है? कुशीनगर, महाराजगंज, गाजीपुर या बलिया में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र आपके महाराजगंज में बनाया जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के बायोटेक ने विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में पुरस्कार जीता है? जापान, अमेरिका, भारत या जर्मनी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में भारत देश के बायोटेक ने विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में पुरस्कार जीता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? अर्जेंटीना, जापान, फ्रांस, ब्राज़ील। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में अर्जेंटीना देश है वो शीर्ष पर रहा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया? पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, अवनी लेखरा, शानिया मिर्जा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से मीराबाई चानू को प्रदान किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर का पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? हरमनप्रीत कौर, मीराबाई चानू, शेफाली वर्मा, सानिया मिर्जा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर का पुरस्कार 2021 शेफाली वर्मा को प्रदान किया गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया? असम, राजस्थान, गुजरात या उत्तर प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल के इतिहास के पहले इंपैक्ट प्लेयर कौन बने हैं? ऋतुराज गायकवाड़, तुषार देशपांडे, केन विलियम्स, महेंद्र सिंह धोनी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आईपीएल के इतिहास के पहले इंपैक्ट प्लेयर बने हैं तुषार देशपांडे। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये नियम लागू करने वाले पहले कप्तान कौन बने? तो फिर आपका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। हाल ही में किसे कलकत्ता हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? शेद वारिद खान, राजेश बिंदल, टी ए शिवगणन, पंकज मित्तल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टी एस शिवगणनम को नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में हरियाणा राज्य में भारतीय रेलवे ने 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किया गया? असम, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में गुजरात राज्य में स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किया गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा
सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? 136, 126, 142, 144। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत 144 स्थान पर रहा है। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरो मोटोकॉर्प के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अजय कुमार, निरंजन गुप्ता, महेश सिन्हा, राजीव कुमार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हीरो मोटोकॉर्प के नए सीईओ के रूप में निरंजन गुप्ता को नियुक्त किया गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सलमान खान, महेंद्र सिंह धोनी, रणवीर सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्टार स्पोर्ट्स ने हाल ही में रणवीर सिंह को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल के इतिहास में 5000 रन बनाने वाले पहले विकेटकीपर कौन बने? महेंद्र सिंह धोनी, संजू सैमसन, ईशान किशन, क्विंटन डी कॉक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आईपीएल के इतिहास में 5000 रन बनाने वाले पहले विकेटकीपर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नौसेना संचालन के महानिदेशक का कार्यभार किसने ग्रहण किया? शिव प्रताप सिंह, राजीव कुमार, अरुण कुमार, अतुल आनंद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में अतुल आनंद ने नौसेना संचालन के महानिदेशक का कार्यभार ग्रहण किया है। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? शिव प्रताप सिंह, नीरज निगम, अरुण कुमार, अतुल आनंद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नीरज निगम को नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? भुवनेश्वर कुमार, खलील अहमद, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने खलील अहमद। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? संजय जसजीत सिंह, राजीव कुमार, अरुण कुमार, अतुल आनंद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं संजय जसजीत सिंह। राइट आंसर हो जाएगा ए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको डेली इसी तरह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर मंथली वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हाल ही में किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया? भारत, रूस, उज्बेकिस्तान, अमेरिका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में उज्बेकिस्तान देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों को सूर्य पर एक विशाल काला क्षेत्र मिला है? DLR, जाक्सा, इसरो, या नासा। तो हाल ही में नासा अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों को सूर्य पर एक विशाल काला क्षेत्र मिला है। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सलीम दुरानी का निधन हुआ, वे कौन थे? फुटबॉल खिलाड़ी, हॉकी खिलाड़ी, बैडमिंटन खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सलीम दुरानी का संबंध क्रिकेट से था, तो वो ये कौन थे? क्रिकेटर थे। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक हाथी लाल क्यों नहीं हो सकते की लेखिका कौन है? वीके नायडू, वाणी त्रिपाठी टीकू, राजीव कुमार, अमिताभ कांत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाथी लाल क्यों नहीं हो सकते कि लेखिका है वाणी त्रिपाठी टीकू। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? मैक्स वर्स्टपन, नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर, सेरेना विलियम्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 से मैक्स वर्स्टपन ने जीता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टपन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने योग महोत्सव 2023 में कहाँ पे भाग लिया था? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, असम, या त्रिपुरा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने योग महोत्सव 2023 में असम में भाग लिया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किन तीन पॉलिटिकल पार्टियों ने नेशनल पार्टी का दर्जा खो दिया? NCP, तृणमूल कांग्रेस, CPI, या उपयोग सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा,
हाल ही में एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस और सीपीआई तीनों पार्टियों ने नेशनल पार्टी का दर्जा खो दिया है। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं? रविंद्र जडेजा, हर्षल पटेल, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय बने हैं हर्षल पटेल। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है? एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई या आम आदमी पार्टी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती प्रत्येक वर्ष कब मनाई जाती है? 7 अप्रैल, 9 अप्रैल, 12 अप्रैल, 14 अप्रैल। तो भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को मनाई जाती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान या बिहार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ पर तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? कनाडा में, युगांडा में, जर्मनी में या जापान में। तो एस जयशंकर ने तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है युगांडा में। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और फिलीपींस के बीच चौथी रक्षा सहयोग की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? नई दिल्ली, बेंगलोर, कलकत्ता या लखनऊ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में भारत और फिलीपींस के बीच चौथी रक्षा सहयोग की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा है? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार या उत्तर प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुवाहाटी चाय नीलामी केंद्र ने असम चाय के कितने वर्ष पूर्ण होने पर एक दीर्घकालिक कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है? 25, 100, 200 या 75। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी चाय नीलामी केंद्र ने असम चाय के 200 वर्ष पूर्ण होने पर एक दीर्घकालिक कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी बड़ी बिल्ली प्रजातियों को बचाने के लिए इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की शुरुआत की है? 4, 7, 6, 2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोटल 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों को बचाने के लिए इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की शुरुआत की है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने ओबीसी का दर्जा दिया? उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया गया था। तो ये थे आपके अप्रैल मंथ के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बाकी के बचे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 2 में कल देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। राजस्थान ईओआरओ भर्ती परीक्षा के लिए आपको डेली इसी तरह मंथली वाइज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।